महिला हेल्प डेस्क को लेके, महिला संबंधी अपराधों को लेके कि क्या स्थिति है। प्रदेश का मुखिया महिला आयोग ये चाहता है कि हमारे प्रदेश में महिला अपराधों को लेके जीरो टॉलरेंस की स्थिति हो, और उसी संदर्भ में मैं विभिन्न थानों में महिला हेल्प डेस्क का, महिला अपराधों का हम लोग एक उसको देख लेते हैंगे, जहाँ कहीं है तो ऑन द स्पॉट भी अगर हमें लगता है कि इस महिला से, भले ही वो 2 महीने पुराना केस है, और अगर हमको लगता है कि इस केस में क्या हुआ, तो मैं ऑन द स्पॉट उस महिला से फ़ोन पे बात करके, अपने संबंधित अधिकारी DPO से भी बात करवा के पूछ लेती हूँ कि आपके केस में क्या प्रगति हुई, आप जो चीज़ आप चाहती थी क्या वो कार्रवाई हुई, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। ऐसा एक रूटीन हमारा ये आज दौरा था। आपने कुछ खास यहाँ पे बताया, निर्देश भी जारी किया, आपने कुछ पाया, कुछ कमी कुछ है? वो थोड़ा सा जैसे हमने देखा कि हमारी जो राजीनामा हो जाता हैगा घरेलू हिंसा के जो हमारे प्रकरण होते हैं, या जो डेली की कहीं कोई मारपीट की बात आती हैगी, महिला है उसका बच्चा बेटे के द्वारा या उसके पति के द्वारा, या कहीं कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उसमें जो राजीनामा हो जाता हैगा महिला हेल्प डेस्क में, तो क्या हमारी महिला हेल्प डेस्क के पुलिसकर्मी उसमें फॉलोअप करती हैं कि नहीं करती हैं। और यही एक निर्देश कि हफ्ते में 15 दिन में, एक माह में, एक बार शुरू में हफ्ते में कर लें, फिर 15 दिन में कर लें, उसके बाद में एक माह में कर लें, लेकिन ये फॉलोअप ज़रूर करें, ताकि हम भी सुनिश्चित हो सके कि जिसका यहाँ पर राजीनामा हुआ वो व्यक्ति संतुष्ट है या वो सुखी है कि नहीं है।